कितने क्या हुलिया बना रखा है, है? भक्का, आपको तो मालूम है कि रास्ते गिर गया कीचड़ में। अच्छा, वैसे ही खड़ा रहेगा है? चल जा अंदर, जा अंदर जाके नहा धो, और मैं जरा पास के गांव से होके आ रहा हूं, और नहा धो के जरा भैंसों को चारा पानी दे दियो है। हमारे गांव में सबसे पहले खड्डे ही खड्डे थे, पानी भर जाया करता गांव में चौकड़ों में, निकलने की समस्या रहा करती, साधन नहीं आया जाया करते, ट्रैक्टर वगैरह और जीप जाप कुछ नहीं आ सकती। हमारे तब बचा हुआ तब कुछ भी साधन की वो व्यवस्था नहीं थी, पैदल यहाँ से सड़क के पास गए तो पेट में ही बच्चा मर गया था, वो जो पेट में बच्चा था वो मर गया पेट में ही, अस्पताल तक पहुंचे तो वहाँ खत्म हो गया था। वैसे तो मन करता है अभी चला आओ, जब तुम्हारी याद आती है तो मन बेचैन हो जाता है, गांव से इतनी दूर। कभी कभी आँख बंद करके तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें अपने ही पास महसूस करता हूँ। और अरे तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे आप भी ना दीदी, बस आप भी ना क्या, जो लिखा है वही तो पढ़ रही हूँ दीदी। और क्या लिखा है? तुम्हारी चिट्ठी में दो बार पढ़ चुकी हूँ, एक बार और पढ़ दो। ठीक है, लेकिन जब आग खुलती है तो यहाँ पहाड़ों में कभी कभी तो लगता है नौकरी छोड़कर आ जाओ, लेकिन ये भी जरूरी है। और हमारे अरे कमला आओ, अरे आओ ना, सुमित्रा के हैजी ने तो चिट्ठी में भी, अरे घबरा मत, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। इस बार तुम्हारी चिट्ठी बहुत देर से आई, बोलती दीदी टेम नहीं। क्यों, टेम कहाँ जाता है, हैं? अरे लेकिन ये तो एक महीना पहले की चिट्ठी है। हे भगवान,
एक महीने पहले की चिट्ठी अब जाकर मिली है। पर ये मुआ डाकिया भी तो रोज रोज कहाँ आता है, 5 दिन में एक बार जाकर आता है, और पूछो तो कहेगा सड़क बहुत खराब है बहन जी, आ जाते हैं यही बहुत है। हाँ भाई, अपने सड़क को पक्की सड़क बनाएगा, सीमेंटेड बोर्ड उसी को देना है। या अमल पर जाए से कम या काम कर देंगे या कर देंगे, सरपंच करे कोई नहीं, गांव को में पानी भरे जे नहीं तो कोई प्रबंधन नहीं, कोई करनू ना कोई सुनू। और सब कह जाए पर अपन कार्य कर्म कोई भी कोई कर जाए, गांव को सरपंच करो ना और ठेप सरपंच दो, और गांव अपन खाडा में रह रही हो हमेशा, तो गांव का कदे भी कह दे काम सफल करे। सेकुपुरा जब से हमने शुरू किया है इस साक्षरता कार्यक्रम से, तो हमारे लिए एक प्रेरणादायी गांव रहा है, क्योंकि दूसरे जिले में जो दूसरे गांव उनके लिए भी, क्योंकि यहां पे जब हम लोग शुरू में जब प्रोग्राम हमने शुरू किया था तो एक अजीब सा माहौल था, लोग जुड़ने को तैयार नहीं थे, हमने लोगों को मोटिवेट किया, वो लोग एक बार जुड़े तो ऐसे जुड़े कि सबके लिए एक प्रेरणा बन गए पूरे जिले के लिए। दर्शना जी, माँ जी, अपने बाबू के लिए एक कप चाय तो बनाओ। जी नहीं बेटा, चाय रहने दे, तू इधर आ मेरे पास, तुझे कुछ बातें करनी है। बेटा कुछ सरकारी अधिकारी आए थे आज, अब वो लोग ये चाहते हैं कि इस गांव में सभी लोग, मर्द औरतें बच्चे सभी लोग पढ़ लिख जाएं, तो अब वो चाहते हैं कि औरतों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तू। तो क्या बहू घर से? यार मुझे बात पूरी कर ले। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ काका? बेटा पूरे गांव में दर्शना एक पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास, अब अगर ये गांव की महिलाओं को शिक्षित कर देगी तो आप चाहते हैं कि भाभी नौकरी करे? नहीं। आखिर घर में किस चीज की कमी है कि भाभी नौकरी करे? बेटा बात कमी की नहीं, बात है लोगों को शिक्षित करने की, ज्ञान की, समाज सेवा की। अम्मा क्या तू भी यही चाहती है कि भाभी नौकरी करे? इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, भाभी अगर दिन भर घर से बाहर रहेगी तो घर का खाना कौन बनाएगा और काम कौन करेगा? बेटा सारे दिन की बात नहीं है, दिन में किसी भी समय घंटा दो घंटा निकाल के अगर ये गांव की औरतों को पढ़ा लिखा लेगी तो। आप लोग जो चाहते हैं वो करिए। '97 से जब ये साक्षरता आई तो श्रीमती दर्शना देवी और उसके ससुर और उसकी सास, इन्होंने घर घर जाकर हर एक निरक्षर को आकर धामों के ऊपर एकत्रित किया और यहाँ एक जागृति इनके माध्यम से आई। सभी ने मिलकर हमारे जो गांव के पंच थे श्री विजय सिंह और जेठ थे जो बड़े शिवदान जी, हमारे ससुर थे रामेश्वर जी और बड़े बड़े लोग थे, उनने सभी ने हमारा साथ दिया। गांव के सभी आदमियों ने इकट्ठे होकर पंचायत करके सभी को बताया कि सभी औरतों को पढ़ाना है तब अपने गांव का नाम ऊंचा होगा। Thank you.
कहां से आ रहा है तू? मैं तो तेरी माँ को कह के आया था कि खेत पर जुताई करनी है। कक्का, मैं फार्म लाने वास्ते कोटपुतली गया था जी। तू तो घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए, पता नहीं खेती बाड़ी के काम में मन ही नहीं लगता। कक्का मैं नौकरी करना चाहूँ। ठीक है, तो मने किसने करी है, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर ले अपनी, और अगर थोड़ा सा खेती बाड़ी में हाथ बटा देगा तो क्या चला जाएगा। देख बेटा, किसानी हमारा पुश्तैनी काम है। कक्का, मैं ना करूंगा जी, आपने भी तो भाभी को पढ़ान लिखाने वास्ते के काम पे लगा रखा है। तो पढ़ने लिखने से किसानी नहीं होती क्या? अच्छा ले, घर जा। मैं जरा चेतराम के यहाँ जा रहा हूँ, वो पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी बहू को पढ़ने से मना कर दिए। अच्छा। चल घर जा, चल। जब 1997 में साक्षरता अभियान कोटपुतली ब्लॉक में चला, उस समय हम सबसे पहले शेखुपुर को पूर्ण साक्षर के रूप में चुना गया, और हमने सारी टीम ने ध्यान दिया कि शेखुपुर गांव को पूरी तरह से हमें साक्षर कराने में बल देना है। तो शेखुपुरा में सबसे पहले नारे लेखन का कार्य कराया गया। पड़ोसन हमीदा से मन की बात कही। हमीदा ने कहा, चिंता की बात नहीं है, पर सावधानी जरूरी है। अब तुम्हें अपने लिए भोजन करना है, बच्चे के लिए भी। कली ने कहा, सासू जी तो कम खाने के लिए कहती हैं, उनका मानना है कि इसे बच्चा आसानी से हो जाएगा। हमीदा ने समझाया, यह गलत है। सब लोगों को इकट्ठा भी क्या करते, उनके घर घर जाके भी पढ़ाया करते, और ये ज़रूरी नहीं था कि मैं ही पढ़ाऊँ। उनके घर में उनके आदमी पढ़े लिखे थे, वो भी अपनी औरतों को पढ़ाया करते। देवर पढ़ा हुआ आया घर में, तो वो भी अपनी भाभी को पढ़ाया करता। सभी गाँव को ने मिल करके सभी को, अकेली मैंने साक्षर नहीं किया, लेकिन सभी ने मिलकर ही, पूरे गांव ने, जिसमें जिसकी घर में बच्चा पढ़ा हुआ था, उसकी मम्मी अनपढ़ थी, उसने बच्चे ने अपनी मम्मी को पढ़ाया, और खेतों में जाया करते, आपस में मिला करते, वहाँ भी अपनी पढ़ाई की बातें करने लग जाया करते। दीदी, ओ दर्शना दीदी, आवाज लगा रही हो और सुन नहीं रही हो, क्या है? उनकी याद में खोई हुई हो क्या? अरे नहीं, वैसे ही क्या, मैं क्या समझती नहीं। अच्छा अब चल। दीदी, क्या कितने महीने हो गए? किस बात के? तुम्हारे उनको गए हुए। अरे पर तुम्हारे वो तो अभी गए हैं ना। दीदी आप भी ना बस बात बदल देती हैं। अच्छा दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी शादी यदि कहीं और होती तो आपको इस तरह खेती में खटना ना ही पड़ता? तू भी जाने क्या क्या सोचती है, क्या पढ़े लिखे लोग खेती नहीं कर सकते?
अरे वो तो और अच्छी तरह से कर सकते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ हम जैसे फौजियों की घरवालियों को तो खेतीबाड़ी संभालनी ही पड़ेगी। हाँ ये बात तो सही है, पर एक बात कहूँ दीदी, आपके पास हर बात का जवाब है। इसीलिए कहती हूँ कि तू भी पढ़ लिख ले, कम से कम अपने हैजी की चिट्ठी तो पढ़ लेगी ना। अच्छा तो तैयारी चल रही है, चल। पहले गांव में पानी भरा करता, गांव की चौकर निकलने का रास्ता नहीं था। फिर हमने पूर्ण साक्षर होने के बाद कलेक्टर साहब को बताया कि हमारे गांव में ये पानी की समस्या है, हमारे को निकलने का रास्ता भी नहीं है कहीं। अच्छा तुम दीदी के यहाँ चिट्ठी पढ़ाने जा रही हो? चिट्ठी तो मैं अपने आप ही पढ़ लेती हूँ, मैं तो अपने आप लिख भी लेती हूँ। मैं भी लिख लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी चलो, वो सारी औरतें हमारा इंतजार कर रही होंगी। हम लोगों ने तय किया था कि अपने गांव की सड़कें पक्की कराने के लिए हम कलेक्टर साहब को दरखास्त देंगे, तो हमने इस बार ये दरखास्त तैयार कर ली है। मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, तुम लोग इस पे अपने अपने दस्तखत कर दो, और इस बार जब अपने गांव में कलेक्टर साहब आएंगे तो हम उनको दरखास्त दे देंगे। मैं पढ़ती हूँ। नमस्ते, आओ बैठो। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, सेवा में जिला अधिकारी जयपुर राजस्थान, विषय ग्राम सेखुपुर की सड़कें पक्की करने के लिए। महोदय आपको मालूम होगा कि हमारे गांव की सड़कें कच्ची हैं, बरसात में पानी जमा हो जाता है और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अतः सेखुपुर की हम साक्षर महिलाओं का निवेदन है कि हमारे गांव की सड़कों को पक्का किया जाए। आपकी विश्वासी सेखुपुर की साक्षर महिलाएं, ठीक है? तो आपकी विश्वासी सेखुपुर की साक्षर महिलाएं, यहाँ हम लोग अपने अपने दस्तखत करेंगे, और अगली बार जब कलेक्टर साहब हमारे गांव में आएंगे हम उनको ये दे देंगे, ठीक है? समझ गए? अब तुम लोग अपना अपना दस्तखत कर दो। गांव पूर्ण साक्षर होगा तब हमारे गांव में कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने गांव को चयनित में लेकर 1,00,000 रुपए इनाम दिए और बोले मैंने गांव सेखुपुरा गांव को गोद ले लिया है। फिर उन्होंने सेंटर सिलाई का काम शुरू कर दिया, फिर औरतों ने सिलाई भी सीखी, जो साक्षर हुई थी उन्हीं औरतों ने सिलाई भी सिखाई गई। पहले वह घर से बाहर नहीं जाती थी और अपने पियर भी अकेली नहीं जा सकती थी, फिर उनको ये जैसे साक्षर का ज्ञान हुआ, साक्षर हुई वो, तब से वो अपने पियर भी जाने लग गई और कहीं भी उनको काम हुआ तो वहीं भी जाने लग गई। जैसे कि बस के, ये बस कहाँ से कहाँ जाएगी तो बस के ऊपर लिखा हुआ आता है ये वहाँ से वहाँ जाएगी, तो उनको पढ़ के और वो चली जाती हैं। अभी तक रोटी बन रही है? क्या क्या करती, भैंसों के लिए चारा काटा, पानी भरा, बाजरा सूखने के लिए पड़ा है, मैं अकेले क्या क्या करती? क्यों दर्शना कहा? अरे मैं तो खुद ही भूल गया, आज तो कोटपुतली में साक्षरता वालों की मीटिंग है। सतपाल की अम्मा, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्या क्या बोल रहे हो, क्या गलत हो गया? यही कि दर्शना को साक्षरता के काम पे लगा दिया। तो क्या देखना, तुझ पे काम का कितना बोझ पड़ गया है, सारा काम तुझे करना। तो क्या मैं काम से घबराती हूँ? और वो कौन से रोज रोज जाती है? मैंने ही उसे कहा था कि गांव की अनपढ़ औरतों को पढ़ाएगी तो देश का काम होगा। सतपाल की अम्मा,
अरे तू क्यों नहीं लिखना पढ़ना सीख लेती? मेरा भी बहुत मन करता है पढ़ने के लिए, लेकिन आंखों से कुछ कम दिखता है। काश हमारे वक्त में भी साक्षरता कार्यक्रम होता। तो क्या होता? क्या होता? अरे मैं फौज से तुझे चिट्ठी लिखता, तू मुझे लिखती। वैसे इस उम्र में भी शर्माते हो, थोड़ी सुंदर लगती है, है? साक्षर होने की वजह से हमारे गांव में सब कुछ सुविधा हो गई है, जैसे रोड बन गई, सड़क बनी, और बच्चों की पढ़ाई पर भी मम्मियों ने अच्छा ध्यान दिया। उनको टाइम से स्कूल भेजने लगी और उनके खाने पीने पे भी ध्यान दिया। जागरूकता आने के बाद महिलाओं ने महिला समृद्धि खाता बैंक में खुलवाया, 10 औरतों का ही खुलवाया अभी तो। बोले हम और कुछ भी साबुन की कोई वो दुकान, कोई परचून की, कोई डायरी वायरी करेंगी, सभी बहने इकट्ठा पैसा करके कुछ और कुछ करेंगी। राज्य सरकार द्वारा हमारे यहाँ साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अक्षर मित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो 1999 के अंदर गांव शेखुपुरा की जो दर्शना है उसको अक्षर मित्र पुरस्कार से नवाजा गया, और ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे गांव को इस महिला ने अपने और जो शिक्षित बहनें थी उनके सहयोग से साक्षर किया। आपको जानकर खुशी होगी कि मुझे साक्षरता में काम करने के लिए अक्षर मित्र पुरस्कार दिया गया है। आगे समाचार ये है कि हमारे गांव की सड़क भी पक्की बन रही है। अब अस्पताल नहीं जाने की वजह से नहीं मरेगा। आपकी दर्शना। Thank you.